पी मलिक म्यूजिक की नई प्रस्तुति पी मलिक बताते हैं कि अवधपुरी में त्रिशंकु के लड़के राजा हरिचंद राज किया करते थे। राजा हरिचंद बड़े दानी थे कि दान की ख्याति समस्त संसार में और स्वर्ग लोग तक पहुंच जाती है, लेकिन राजा का कोई संतान नहीं हुई। जबकि राजा ब्रह्मा के उपासक थे, ब्रह्मा ने कहा है राजन तेरे भाग में पुत्र नहीं है, यदि आपने पुत्र चाहिए तो वरुण महाराज की तपस्या के दिए। राजा हरिचंद वरुण महाराज की उपासना करने शुरू कर देते हैं। वरुण महाराज ने कहा कि ऐ राजन तेरे भाग में पुत्र तो नहीं है, लेकिन मैं उधारा पुत्र दे सकता हूँ, जब चाहूँगा जब ले लूँगा। कि ठीक है, एक उधारा पुत्र दे दिया जिसका नाम रुद्रदास रखा गया। एक बार स्वर्गलोक में जाकर चला कि मृतलोक में राजा हरिचंद बड़े दानी हैं, वहाँ पर विश्वामित्र भी हाजिर थे। उनका कि भी आप यदि उसको दानी बताते हैं तो मैं परीक्षा ले सकता हूँ। इजाज़त दे दी विश्वामित्र ब्राह्मण का रूप धारण करके और वहाँ आ जाते हैं। एक समय की बात है कि विश्वामित्र ने ब्रह्मा का रूप धारण किया, ब्रह्मा कहते हैं जंगली सूर को, और उसके नौलखे बाघों को उजाड़ना शुरू कर देते हैं। माली भाग का है कि राजन बाघ तो उजाड़ दिया कि क्या बात है कि ब्रह्मा आया हुआ है। राजा अपना धनुष लेके और ब्रह्मा के पीछे लग लेते हैं, वो दूर जंगल में घुस जाता है। राजा भी उसके पीछे रहे, रात हो जाती है, रास्ते से विचलित हो जाते हैं। जबकि राजा हरिचंद रोजाना सुबह उठ के ब्राह्मणों को 100 स्वर्ण मुद्राएं दान किया करते थे, राजा वहीं रुक जाते हैं। जब सुबह हुई तो विश्वामित्र ने ब्राह्मण का रूप धारण करके और दर्शन दिए, बड़ा आदर सत्कार किया। ऐ ब्राह्मण, तूने बहुत एहसान किया है और तू मेरे राज में आ जाना, मैं तेरे को 100 स्वर्ण मुद्राएं दान करूंगा। वहां से राजा राज में आ जाते हैं। ये बताते हैं कि विश्वामित्र ने दो माया रूपी बच्चे बनाए, साधु की वेशभूषा में एक लड़का एक लड़की, और राजा हरिचंद के दरबार में पहुंच जाते हैं। आओ साधु कैसे आना हुआ कि बताते हैं आप दान पुण्य करते हैं। कि ना ऐसी तो बात नहीं है, हाँ मैं भिक्षुक को खाली जाने नहीं देता जहाँ तक पार बसाती है, तो हम भी दान लेने के लिए आए हैं। कि मांगो, कि राजाओं से जब मांगते हैं जब राजा तीन वचन दे लेते हैं। राजा हरिचंद ने तीन वचन दिए, उस लड़के ने राज मांग लिया, लड़के ने सारे खजाने की चाबी मांग ली, यानी कि सारा राजपाट उन बच्चों मांग लिए। इतने में कौन के विश्वामित्र ब्राह्मण का रूप धारण कर दरबार में पहुंच जाते हैं। कि महाराज, आपने कहा था 100 स्वर्ण मुद्राएं दान करने की, मैं आया हूं आपके पास, अब दीजिए। जब हुक्म देना चाहा तो लड़के ने कहा है राजन ये राज मेरा है, आप हुक्म नहीं दे सकते। जब खजाने की तरफ चले तो लड़के ने कहा है राजन खजाना मेरा है, इसमें से आप दान नहीं कर सकते। राजा हरिचंद विवश होकर रानी मदनहावत के पास आ जाते हैं, सारी कहानी कही। मदनहावत ने कहा महाराज कुछ भी हो लेकिन ब्राह्मण को खाली मत जाने देना। राजा रानी रुद्रदास लड़का काशी में आके 65 बहार में रानी मदनहावत और लड़का रुद्रदास रामलाल ब्राह्मण के बीच जाते हैं। 35 बहार में काली भंगी के यहाँ राजा हरिचंद बीच जाते हैं और उस ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे के और फारग होते हैं। जीवन बीतता चला जाता है, काली भंगी की नौकरी करते हैं। कि महाराज, काली भंगी ने कहा कि आप क्या काम कर सकते हैं, कि आप मैं आपका नौकर हूँ, आप जो भी मेरे से काम लेना चाहेंगे मैं वो करूँगा। कि मैं सूर रखता हूँ, बर नदी से पानी लाना और सूरों को पिलाना है, और ये दुकान है इस पर से अपना सामान लेते खाना रहना। ये कहते हैं 21 रोज भी जाते हैं, राजन अन्न के दर्शन नहीं किए। रोजाना पानी लाता है, जब वहाँ 21वां दिन हुआ तो पानी का मटका भर लिया लेकिन उठा नहीं। किसी आदमी की बात देखता, कोई आवे और मुझे मटका ठुआवे। उधर से रानी मदनहावत ने विचार किया कि क्यों नहीं तो बर नदी से पानी ले आवे, और सारे बर्तना ने धो दी, नीर की और नीर की दरत्यारी कर ली नीर की।
रानी मदनहावत अपनी टोकनी लेके और जब वन नदी पर गई तो राजा ने बड़ा शुक्रिया अदा किया कि ओ भगवान तेरी भी अदब लीला है, भेजा तो मेरा आदमी भेज दिया। रानी ने कहा क्या क्या बात है, तो राजा हरिचंद रानी मदनहावत को क्या कहते हैं। ईर दया करी दोनों पे अरन वे दर्शन पावनी की वे कचका देखू बाट घाट पे मानस के आवन की दया करी
हे गुरु बिन कौन ज्ञान का देवा आकर पारी लगा दो खेवा गुरु मान संग की कर सेवा नई कार सीख कावन की